नमस्कार, कैपिटल न्यूज इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में अब आप लोगों को सापला में आने वाले सेक्टरों के बारे में बताने वाले हैं। इस पूरी वीडियो में बताया जाएगा कि जिस प्रकार सापला के आसपास के 4 गांवों की ज़मीन ली जाएगी और उस गांव में की ज़मीन पर सेक्टर बसाए जाएंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहें और उनको समझने का काम कीजिए। तो बताते हैं आपको सापला में जो सेक्टर आएंगे, सबसे पहले सुनने का काम कीजिए। सेक्टर 23, सेक्टर 3, सेक्टर 15, सेक्टर 12, सेक्टर 17, सेक्टर 8, सेक्टर 24, सेक्टर 31, सेक्टर 36, सेक्टर 5, सेक्टर 22, सेक्टर 29, सेक्टर 2, सेक्टर 16, सेक्टर 25, सेक्टर 33 और सेक्टर 34 सापला के अधीन आने वाले हैं। और ये जो सेक्टर आएंगे, ये रोद गांव में, मांडोठी गांव में और जसोर खेड़ी गांव के बीच की जो ज़मीन बच गई, इस पर ये सेक्टर आने वाले हैं। इस पूरी वीडियो में बताने वाले हैं कि इन सेक्टरों के अंदर क्या क्या होगा, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको बता दें, जो सापला का मास्टर प्लान 2031 मास्टर प्लान है, इससे पहले सापला का एक ड्राफ्ट प्लान 2 बार बन चुका है, जिसमें 2021 ड्राफ्ट प्लान बना था। उस ड्राफ्ट प्लान के अनुसार मांडोठी से पीछे वाले गांव की तरफ सापला के सेक्टर को बनाया गया था, लेकिन उस ड्राफ्ट प्लान को कैंसिल कर दिया गया और दोबारा ड्राफ्ट प्लान बनाया गया। जो ड्राफ्ट प्लान गांव जसोर खेड़ी और मांडोठी के बीच वाले रोड पर था और फिर रोद की तरफ जाकर सापला की तरफ चला जाता था। इसको पीछे बनाने के कई उद्देश्य थे। इसको बनाने के उद्देश्य दिल्ली से कनेक्टिविटी, KMP से कनेक्टिविटी और साथ साथ मारुति से भी नए सापला शहर की कनेक्टिविटी के लिए इस नए ड्राफ्ट प्लान को बनाया गया और इस ड्राफ्ट प्लान को 2020 में फाइनल कर दिया गया और सापला को 2031 का प्लान मिल गया। अब इस वीडियो में आप समझने का काम कीजिए कि कहां पर क्या आएगा और सापला के जो सेक्टर आने वाले हैं, किस सेक्टर में क्या होगा, आपको हम बताने का काम करेंगे। ये हमने पेज निकलवाए हैं, इन पेज के माध्यम से पूरी चीज़ आपको हम बताने का काम करेंगे। तो सुनने का काम कीजिए। सापला व आसपास की जनसंख्या 10 साल में 1.5 लाख से बढ़कर 6 लाख हो जाएगी। मतलब 2031 तक सापला की जनसंख्या 1.5 लाख से बढ़कर 6 लाख हो जाएगी। या 11 गाँव को मिलाकर जो सापला के आसपास के 11 गाँव हैं। इससे आगे पात्रगढ़ के मास्टर प्लान से पहले सापला का मास्टर प्लान तैयार करने का यही कारण था, क्योंकि सापला की आबादी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और यह शांतिप्रिय एरिया जल्द भीड़ भाड़ वाले इलाके में तब्दील होने वाला है। इसके चलते रोद व सापला में जनसंख्या बढ़ने की संभावना के चलते सरकार का यही मानना है कि मास्टर प्लान बादरुड़ से पहले सापला का 2031 मास्टर प्लान तैयार करके फाइनल कर दिया गया। इसमें जब तक सापला की आबादी बात की जाए तो सापला शहर की आबादी 4,77,000 हो जाएगी व गाँव की आबादी और 11 गाँव को जोड़ दिया जाए तो यह पॉपुलेशन 6 लाख के आसपास हो जाएगी। इसी कारण बादरुड़ से पहले सापला मास्टर प्लान बनाया गया और बादरुगढ़ मास्टर प्लान जो 2031 में होना था उसको 2041 में शिफ्ट कर दिया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार शहर में आने वाले गाँव व कस्बों की आबादी 41,849 थी। विकास योजना में 1,263 हेक्टेयर भूमि रिहायशी क्षेत्र की व्यवस्था के लिए रखी गई है। यह इसलिए रखी गई है क्योंकि आने वाले समय में जो भारी भीड़ सापला क्षेत्र में देखने को मिलेगी, उस भीड़ को आवास प्रोवाइड करवाने के लिए इतनी भूमि सरकार द्वारा रिजर्व करके रखी गई है। वह प्रत्येक रिहायशी सेक्टर में दोनों तरफ 20% भिन्नता के साथ जो सेक्टर होंगे, उन सेक्टरों में 20 सेक्टरों के दोनों तरफ 20% भिन्नता के साथ दीनदयाल जन आवास पॉलिसी भी लागू करने की सरकार ने योजना बना रखी है, जिसके तहत लोगों को रिहायशी इलाकों में फ्लैट की सुविधा भी मिल सकती है और साथ साथ में आवासीय सुविधा मिलने की संभावना है। इसके साथ 20% ग्रुप हाउसिंग कंपोनेंट पॉलिसी भी आवासीय क्षेत्रों में सरकार लागू करने जा रही है और 2031 मास्टर प्लान में लागू भी कर देगी। इससे यहां 6 लाख लोगों को रहने की समय रहते सुविधा हो जाएगी, व्यवस्था इनकी सरकार द्वारा करवा दी जाएगी।
व मेट्रो के लिए इस प्लान में भी जगह दी गई है। इसके लिए तय किया गया है और यह प्लान 6 जुलाई 2020 को फाइनल हो चुका है, और जो कि 2031 मास्टर प्लान है। सापला शहर नियमों के हिसाब से बनेगा, यह नया शहर योजनाबद्ध तरीके से बनेगा व लोगों के लिए आवासीय चीज़ें होंगी। सड़कें 12 मीटर से कम नहीं होंगी, 12 मीटर से ज़्यादा ही हो सकती हैं, क्योंकि एक साफ सुथरा क्षेत्र इस शहर को बनाने के पीछे का चल रहा है। वे न्यू सेक्टरों में पार्क व खुले स्थानों के लिए न्यूनतम अक्षेत्र योजनाबद्ध तरीके से किया जाएगा। वह प्रति व्यक्ति, ध्यान दीजिए आप इस बात पर, प्रति व्यक्ति 2.5 वर्ग मीटर के न्यूनतम मापदंड को भी इसमें पूरा करने का काम किया गया है। तो सरकार सापला शहर को ऐसे बेहतरीन पैटर्न के आधार पर बनाना चाहती है जिससे यह शहर अलग तरीके से लगे, और केएमपी से सटा शहर इसको बनाने की सरकार की योजना है। ये मैंने पहले चरण के बारे में आप लोगों को बताया है कि कहां पर क्या होने वाला है और कौन कौन से सेक्टर आएंगे, उन सेक्टरों में क्या होगा, उसके बारे में विस्तृत से अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो सापला शहर के अंदर जो सेक्टर आएंगे, आइए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमने पॉइंट तैयार किया है, इसमें 4 तरह के पॉइंट बने हुए हैं। पहला है वाणिज्यिक तरीके वाला, दूसरा औद्योगिक, तीसरा परिवहन व संचार, व चौथा सार्वजनिक व अर्ध सार्वजनिक। सबसे पहले बात करते हैं वाणिज्यिक तरीके पर। प्रस्तावित जो शहर होगा उसमें भविष्य की मांग के लिए 524 हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित करके रखा गया है। इसमें क्या क्या होगा उसके बारे में अभी बताते हैं। इसमें बड़ी सब्जी मंडी व अनाज मंडी के लिए सेक्टर 23 जो सापला में बनेगा उसमें इस स्थान को प्रस्तावित किया गया है। इससे आगे मांस मंडी के लिए सेक्टर 3 में जो सापला के अधीन होगा उसमें जगह प्रस्तावित की गई है। वह सेक्टर 15 जो सापला के अंदर होगा वो सापला का सिटी सेंटर होगा, और सेक्टर 3, सेक्टर 8, सेक्टर 12, सेक्टर 17 व सेक्टर 24 में वाणिज्यिक पट्टी प्रस्तावित की गई है। सेक्टर 31 व सेक्टर 36 में वेयर हाउसिंग के लिए भंडारण किया जाएगा। आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता दूं, रोध क्षेत्र में जो फैक्ट्रियां हैं वह सापला के अधीन आ जाएंगी, और सापला बद्रुड क्षेत्र के कुछ गांवों की ज़मीन पर भविष्य का सापला शहर बनने वाला है। तो भविष्य का जो सापला शहर होगा वह मांडूठी गांव में जो वर्तमान में कंपनियां हैं जिनको रोध इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जाना जाता है, आने वाले भविष्य में उस क्षेत्र को भी सेक्टर किसी न किसी सेक्टर का नाम जल्द दिया जाने की संभावना है। इससे आगे बात करते हैं औद्योगिक। नंबर 2 औद्योगिक, 802 हेक्टेयर औद्योगिक क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा आरक्षित करके रखी गई है। यह सेक्टर 7 में प्रस्तावित होगा जो NH9 व रेल मार्ग के मध्य होगा। जो रेल मार्ग रोहतक से दिल्ली की तरफ जाता है, और NH9 आपको पता ही होगा दिल्ली से इसार वाला जो रोड है जो बादुड़ से क्रॉस होके जाता है, NH9 और इस रेलवे लाइन के मध्य का जो एरिया होगा उसमें सेक्टर 7 प्रस्तावित किया गया है जो औद्योगिक क्षेत्र को के लिए खास तौर पर होगा। वर्तमान में भी देखें तो यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में कई फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, और भविष्य में और ज़्यादा भी फैक्ट्रियाँ बनने की संभावना जताई जा रही है। इससे आगे 3 नंबर पॉइंट पर बात करते हैं। सापला मास्टर प्लान 2031 में प्रस्तावित गतिविधियों के संचालन के लिए समेकित प्रणाली प्रस्तावित की गई है। 618 हेक्टेयर की कुल क्षेत्र परिवहन व संचार के लिए रखा गया है। इसके लिए NH9 के साथ साथ मेट्रो को भी प्रस्तावित किया गया है, और ऑटो मार्केट व ट्रक पार्किंग के लिए सेक्टर 7 जो बाईपास के नज़दीक होगा इस क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि अगर उसकी किसी शहर में भीड़ बढ़ेगी तो उसके साथ साथ पार्किंग की सुविधा भी देनी पड़ेगी, और पार्किंग के साथ साथ ऑटो मार्केट जो एरिया ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है उसके लिए सापला का जो भविष्य का शहर होगा उसमें सेक्टर 17 में जो बाईपास के पास कोई जगह बनाई जाएगी जो स्पेशल इन चीज़ों के लिए रहेगी। इससे आगे वाले पॉइंट पर बात करते हैं।
यही नहीं होगा, इससे अलावा भी बहुत कुछ होगा। इंटरस्टेट बस स्टैंड जो इंटरस्टेट बस टर्मिनल होता है वो भी सापला के नए शहर में बसाया जाएगा। उसके लिए स्थान भी सरकार द्वारा चूज कर लिया गया है और यह स्थान कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जो आसोदा के नज़दीक होता था, जहाँ पर आसोदा की पुरानी चौकी होती थी, और आसोदा गांव से जब एन एच 9 की तरफ बढ़ते हैं तो जो जॉइंट आता है उसी जॉइंट के आसपास में यह यहां पर इंटरस्टेट बस टर्मिनल ISBT का नया बस स्टैंड बनने की संभावना जताई जा रही है। सापला के जंक्शन के पास सेक्टर 5 में जज्जर बाईपास के नज़दीक सापला शहर के लिए बस अड्डा रखा गया था जो बनकर तैयार हो चुका है। उस क्षेत्र को जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर सेक्टर 5 का नाम वहाँ दिया जा सकता है। आसपास में रेलवे लाइन के पास औद्योगिक क्षेत्र सापला नगर उत्तर व दक्षिण की ओर प्रस्तावित होगा। व मांडोठी गाँव में मैंने एक वीडियो सेपरेट भी डाल रखी है कि एयर स्ट्रिप आने की संभावना जताई जा रही है, जहाँ से भविष्य में फोर्स के साथ साथ जो व्यापारी लोग होंगे उन लोगों के लिए भी आने जाने की सुविधा इस हेलीपैड हेलीपोर्ट या हवाई पट्टी से जल्द संभावित हो जाएगी। इसके बाद चौथे पॉइंट पर बात करते हैं। चौथा पॉइंट सार्वजनिक व अर्ध सार्वजनिक, इस पॉइंट को हमने नाम दिया है, के लिए 713 हेक्टेयर भूमि रखी गई है, जहां कॉलेज ITI व अन्य ऐसे स्कूल संस्थाएं इत्यादि होंगी व प्रशासनिक कार्यालय भी इस क्षेत्र में होने की संभावना है। सेक्टर 22, सेक्टर 29, सेक्टर 2, सेक्टर 8, सेक्टर 16 व सेक्टर 25 सिटेपस के रूप में सार्वजनिक स्थल व अर्ध सार्वजनिक के रूप में इन सेक्टरों को प्रस्तावित किया गया है। सेक्टर 22 को सापला को भविष्य के लिए आरक्षित करके सापला में सेक्टर 22 बनाया जाएगा, जो भविष्य में सापला में किसी अन्य यूज में प्रयोग किया जा सकता है, जिसको वर्तमान में 2031 तक रिजर्व करके रखा जाएगा। इससे आगे बात करते हैं, जबकि सेक्टर 29, सेक्टर 33 और सेक्टर 34 KMP के साथ साथ लगते KMP से सटे हुए, क्योंकि जसोर खेड़ी गांव में आने वाले हैं, वह इन सेक्टरों में नगर में संस्थागत केंद्र होगा, नगर का संस्थागत केंद्र होगा, क्योंकि यहाँ से ऐसी कनेक्टिविटी हो जाएगी KMP और भी ट्रेल कॉरिडोर। और बात की जाए तो जो नया रोड बन रहा है दिल्ली जम्मू कटरा रोड, इस नए शहर से बिल्कुल सटा हुआ होगा। और बात करते हैं जैसे जसोर खेड़ी सेक्टर 33 व 34 में जो GCNEP, जैसे मैंने वीडियो बनाई थी ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट गाँव में बना हुआ है जसोर खेड़ी में, उससे अनापत्ति जिसकी प्रमाण पत्र भी इस विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया कि यहाँ पर सेक्टर बनाने का काम होगा। सेक्टर की बात की जाए सेक्टर 33 और 34 इसके परमाणु जिसको गांव में बोला जाता है इसके आसपास में बनाने का काम किया जाएगा, तो विभाग ने इससे अनापत्ति की, विभाग को इससे कोई आपत्ति नहीं है, GCNEP ने इसको इस प्रोजेक्ट से कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने प्रमाण पत्र तक सौंपने का काम किया है। तो ये भविष्य में जो सापला में सेक्टर विकसित होने वाले हैं उन सेक्टरों के बारे में हमने आपको बखूबी बताया है, और जहाँ पर जो आने वाला है रोज, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है या NH9 और रेलवे लाइन के मध्य में पड़ता है, तो मांडोठी जो और जसोर खेड़ी वाला जो रोड है वहाँ से लगभग लेकर के और रोध गांव को क्रॉस करते हुए सापला तक का जो एरिया होगा इनके मध्य का, वो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भविष्य में जाना जाएगा। और जैसे ISBT बस स्टैंड तक की सुविधा यहाँ पर आने वाली हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले भविष्य का सापला शहर कैसा होगा। सापला शहर के सेक्टरों के बारे में आपने इस वीडियो में बारीकी से जाना। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें राय देने का काम कीजिए और वीडियो को शेयर करने का काम कीजिए। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।